अगर आपका सवाल है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस कोर्स की फीस कितनी होती है, तो आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस कोर्स फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एमबीबीएस कोर्स के बारे में। एमबीबीएस, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर्स में कम्प्लीट होता है, जिसमें से 4.5 ईयर्स एकेडमिक एजुकेशन और 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी होती है। इसमें टोटल 9 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि कुल 9 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एमबीबीएस कोर्स की फीस के बारे में। देखिए, जो फीस है वो अलग अलग कॉलेजेज में अलग अलग होती है, यानी कि फीस कॉलेज टू कॉलेज वैरी करती है। तो चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेज में एमबीबीएस कोर्स की फीस के बारे में। तो गवर्नमेंट कॉलेजेज में जो फीस है वो है 90,000 to 1 लाख रुपीज पर एनुअम। ये जो फीस स्ट्रक्चर है मैक्सिमम कॉलेजेज में होता है, यानी कि 90 से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की हो सकती है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, ये जो फीस स्ट्रक्चर है अधिकतर कॉलेजेज में होता है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जिनमें काफ़ी कम फीस होती है, वो है एम्स और जिपमर। एम्स में एमबीबीएस कोर्स की जो फीस है वो है लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष, यानी कि अप्रॉक्स 5 to 10,000 रुपीज पर एनुअम। ठीक है, तो एम्स में काफ़ी कम फीस लगती है एमबीबीएस कोर्स करने में। बात करते हैं जिपमर की। तो जिपमर में जो फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। तो जिपमर की जो फीस है वो है अप्रॉक्स 25,000 रुपीज पर एनुअम, यानी कि लगभग 25,000 रुपये प्रतिवर्ष की होती है जिपमर में। जिपमर का फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये जो कॉलेज है ये पांडिचेरी में है। ठीक है, तो ये होता है अलग अलग कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस कोर्स फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बात करते हैं फीस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस है वो है 5 to 7 लाख रुपीज पर एनुअम, यानी कि 5 से 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष की हो सकती है किसी प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, फीस डिपेंड करती है कॉलेज पर, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई सवाल है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आप तक सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी वीडियो देख पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।